वीर का नाम रखा गया वीर वरवरी। कथा में लिखा गया है बालक के अत्यधिक घने काले बराबराकार घुंघराले सिंह के भांति बालों को देखकर उनका नाम रखा गया वीर बरबरी। तो श्याम बाबा का पहला नाम क्या है? वीर बरबरी। यहां छोटा सा इशारा कर देता हूं, आप भी अपने बच्चों के अच्छे नाम निकालना। आप जरा सोचो, इस समय लाखों लाखों लोग सुन रहे हैं, आप एक बच्चे का नाम आपने राम निकाला, राम, लेकिन उस बच्चे का आप नाम पुकारोगे, आपके घरवाले पुकारेंगे, आपके परिवार के पुकारेंगे, सगे संबंधी पुकारेंगे, यहां तक कोई डाक भी आएगी तो राम के नाम से डाक आएगी। तो कितने कितने लोग अनजाने में भी भगवान का नाम ले लेंगे, तो कितने लोगों का मोक्ष होगा, कितने लोगों का भला होगा, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, राम के राम ने जब पत्थर गिराया वो डूब गया, और राम के नाम के पत्थर तैर गए। भैया राम जिसको गिरा दे वो कैसे, वो तो डूबना ही डूबना है, राम के नाम के पत्थर तैर जाते हैं, पत्थर तैर जाते हैं। हाँ, हो गए बहुत से पार, अपने बच्चों के अच्छे नाम निकालो। भागवत में प्रसंग आता है ना, मैं परसों से प्रारंभ कर रहा हूं, भागवत जी अजामिल प्रसंग आता है। अजामिल इतना पापी था, इतना दुष्ट था, इतना कामी था, एक बार सत्संग हो गया, संतों की चोट लग गई, संतों ने उसके घर का प्रसाद पा लिया रात को, और संतों ने कहा तो हम तेरे गलत घर पर रुक गए रात को, लेकिन फिर भी हम तेरे घर का प्रसाद पाया है, तेरे घर का अन्न खाया है, इसके लिए हमें कुछ देना चाहिए, तो तेरे एक बेटा और होगा उसका नाम रख लेना नारायण। उस पापी ब्राह्मण ने किसी की बात तो नहीं मानी, लेकिन उसने एक बात मान ली संतों की, उसका बेटा हुआ, उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया, नारायण। बस वो अपने बेटे से प्रेम करता था, भगवान से प्रेम नहीं करता था, पापी तो था। अंतिम समय यम के दूत उसको लेने के लिए आए, घबरा उठा, बेचैन हो गया, भागने लगा इधर उधर, यम के दूत ने पकड़ लिया, और डर के मारे उसने भगवान को नहीं पुकारा, नारायण अपने बेटे को पुकारा। और भगवान ने सोचा किसने मेरे को पुकारा है, जब होती है करुण पुकार तो सांवरा आता है। एक नाम से जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भैया अपने बच्चों के अच्छे नाम निकालना। हाँ, जब बच्चा चलने लगे तो अंगुली पकड़कर मंदिर ले जाना। मैं व्यासपीठ से दावा करता हूँ, व्यासपीठ से वादा करता हूँ, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको अंगुली पकड़कर तीर्थ यात्रा कराने जरूर ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को गलत जगह ले गए, मूवी ले गए, थिएटर ले गए, डिस्को में ले गए, फिर तो बुढ़ापे में आपको भी डिस्को ही डिस्को कराएगा, कुछ नहीं होगा, बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। बहुत सी चीज़ों के हम खुद जिम्मेदार भी होते हैं, भले फिर हम बात माने, बोलते तो बोलने की तो बहुत बात उल्टी सुल्टी करके बोल देते हैं, लेकिन बहुत बार हम खुद जिम्मेदार होते हैं। छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता है, उसको जैसे संस्कार दोगे बच्चा उसी संस्कार में चलता है, उसी संस्कार उसी परिवेश में बच्चा चलता है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। बच्चों को कार चाहिए संस्कार नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ अच्छे संस्कार होगे तो कार आ जाएगी, और अच्छे संस्कार नहीं होगी तो कार आकर भी चली जाएगी, कार को टिका नहीं पाओगे। संस्कार दो, संस्कार जीवन में आकार देते हैं, जीवन को बढ़ाते हैं, जीवन की नैतिकता सिखाते हैं। हाँ, जीवन की नैतिकता सिखाते हैं, जीवन में चरित्रवान बनाते हैं संस्कार आपको। 16 संस्कार होते, 2 संस्कार याद रहे, नामकरण संस्कार, अंतिम संस्कार, 14 संस्कार भूल गए हम लोग। हाँ, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, अच्छे नाम निकालो बच्चों के। हाँ, अच्छे नाम निकालो, अच्छे नाम निकालो। और माँ के गर्भ में संस्कार पलते हैं, जब माँ के गर्भ में जो बच्चा हो ना, तो हाथ जोड़ के विनती, समय लाखों लाखों माताएं इस बेटे को सुन रही है। मैं खाटू धाम की धरती पर श्याम के दानी के दरबार में बैठकर ये बात बोल रहा हूँ, संस्कार चैनल पर बोल रहा हूँ, जब आपके घर में शिशु हो तो उस समय भगवान की कथा सुना करो, भगवान का सत्संग सुना करो, तुम्हारे घर में भगवान का भक्त प्रकट होगा। तुम्हारे घर में रावण प्रकट नहीं हो सकता, तुम्हारे घर में राक्षस प्रकट नहीं हो सकता, तुम्हारे घर में भगवान का भक्त प्रकट होगा। अगर ये उल्टी से उल्टी चीज देखोगे, उल्टी से उल्टी चीज सुनोगे, तो फिर भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे। अरे अभिमन्यु तो माँ के पेट में, आप देखो पढ़ो अभिमन्यु का चरित्र, पता लग जाएगा। भक्त प्रहलाद की भूमि है खाटू श्याम, तो ये जहां बैठा हूं ये तो खाटू श्याम जी भक्त प्रहलाद की भूमि है। धन्य ढूंढारो देश, ढूंढा नाम किसका था,
होलिका का नाम ढूंढा था, ढूंढा को किसने मारा, भक्त प्रहलाद ने मारा, इसलिए भक्त प्रहलाद का नाम पड़ा ढूंढारी, और आगे जाकर शब्द अपभ्रंश में चला गया, इसलिए धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। तो श्याम की धरती पर बैठे हम, खाटू की धरती पर बैठे हैं, श्याम की चौखट पर हम लोग बैठे हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों के अच्छे नाम निकालना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, बच्चों को संस्कारवान बनाओ। बड़े शहरों में तो आजकल कई बार माताओं को बच्चों को दूध पिलाने में शर्म आती है, यहां तक हालत हो गई, बताओ क्या करें, अच्छे संस्कार दो। माँ के घर में जब बच्चा हो तो अच्छे से संस्कारवान कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो, आपके घर में भगवान का भक्त प्रकट होगा। कौशल्या ने राम को प्रकट किया है, कौशल्या ने राम को प्रकट किया है, देवकी ने कृष्ण को प्रकट किया कि भगवान ऊपर से नहीं आए हैं, वो भी मां के गर्भ से ही आए हैं। हाँ, वो ही मां के गर्भ से प्रकट होते हैं, ऊपर से नहीं कि अचानक आकर बैठ गए, नहीं भाई रे, उन्होंने मां को, मां ने उनको जन्म दिया संसार में, भूतरा में मां ने उनको लेकर आई है। मां, मां शब्द बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। कल रात को जन्मदिन हुआ श्याम बाबा का, जन्मदिन हमने मनाया रात को, बर्थडे मनाया, तो हमने रात को केक काटा नहीं, रात को हमने, मैंने मना कर दिया हम केक नहीं काटेंगे, हमने केक काटा नहीं, केवल भोग लगाया, काट के भोग नहीं लगाया। रात को आपने देखा नहीं, मैंने मना कर दिया था ना कि हम लोग केक नहीं काटेंगे, रात को हमने केक नहीं काटा, हमने केवल भोग लगाया था, रात केवल भोग लगाया। हाँ, तो जन्मदिन जब बच्चे का आए, आपके घर में जन्मदिन आए तो क्या करना है, जन्मदिन के दिन अपने बच्चे की जन्म पत्री की पूजा करवाना। आप अपने इस बेटे मनुष्य की बात मानते हो तो जन्मदिन के दिन एक काम करना है, अपने बच्चे की जन्म पत्री होती है उसकी पूजा करवा देना। महाराज जी जन्म पत्री बनी हुई नहीं है, क्या करें, उसी समय की गोचर की पूजा करवा देना। जो वर्तमान में जो गोचर चल रहे हैं, वर्तमान स्थिति में जो ज्योतिष में जो गोचर चल रहे हैं, जिस स्थिति में जो गोचर ग्रह चल रहे हैं उसी की पूजा करवा देना। हो गया समाधान, कही लो महाराज जी हम पूजा, हमारे पास जन्म पत्र यही नहीं, कही कि पूजा करवाएं उनको, भाई तो समाधान कर दिया मैंने आपका। अगर जन्म पत्र नहीं है तो आप वर्तमान गोचर को अंकित करके आप पूजा करवा दो। ब्राह्मण को जन्मदिन के दिन घर जरूर बुलाना, अपने गुरु को जन्मदिन के घर जरूर बुलाना, गुरु आशीर्वाद देगा आपके बच्चे को, क्योंकि ब्राह्मणों को घर बुलाया जाता है, कहते हैं ना महाराज जी हमारे घर पग लिया कर दो, महाराज जी हमारे घर पग बेबर पग लिया कर दो। ब्राह्मणों का पग लिया क्यों करवाया जाता है पता है, क्यों, ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी रहती है, ब्राह्मणों के पैरों में लक्ष्मी है, कि महाराज जी पग लिया कर दो, एक बार हमारे घर पग लिया मान दो। हाँ, तो ब्राह्मण को बुलाना, गुरुओं को बुलाना, संतों को बुलाना, स्वस्ति वाचन का पाठ करना और अपनी जन्म पत्री की पूजा करवाना जन्मदिन के दिन, और बाबा श्याम की जोत लेना, श्याम छत्तीसी सुनना, सुंदरकांड का पाठ करवाना, हनुमान चालीसा का पाठ करवाना, और शाम को उस बच्चे के हाथ से किसी भूखे को भोजन करवाना। सुबह आप अपने इष्ट का ध्यान करना, कुल देवता का ध्यान करना, कुल देवी का ध्यान करना। हम लोग बहुत गलत ट्रैक पर जा रहे हैं आजकल, हम लोग बहुत गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को पता नहीं कि आपका कुल देवता कौन है। आपके इष्ट देवता का विषय तो मैं नहीं बात करूंगा, इष्ट तो अपना व्यक्तिगत स्वतंत्र विषय है, इष्ट तो आप जो चाहे कर सकते हो, लेकिन बहुत से घर वालों में बड़े बड़े लोगों को पता नहीं है कि आपके कुल देवता कौन है, आपकी कुल देवी कौन है। पितरों की तो बात छोड़िए, पितरों की तो बात ही छोड़िए, पितरों की तो बात आप कर ही नहीं पाओगे, पितरों की मुक्ति तो हो ही नहीं सकती। आप अच्छे अच्छे घरों में पितरों की मुक्ति नहीं हुई, अच्छे अच्छे घरों में पितरों की मुक्ति नहीं हो पाती है। हाँ, अच्छे अच्छे घरों में हमने पितरों को तड़पते हुए देखा है, हमने पितरों को रोते हुए देखा है, हमने पितरों को आंखों में आंसू देखे हैं पितरों के, उनकी मुक्ति तो बहुत अलग बात है। कुल देवता का पता नहीं, कुल देवी का पता नहीं है, आपके दादा परदादा का नाम का कईयों को पता नहीं है। सात पीढ़ी तो छोड़ो, अब आप उनसे क्या आस करोगे कि आपके लिए कुछ कर देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, हाई हेलो करेंगे वो। दूसरी पीढ़ी पूछेगी पहली पीढ़ी से, ये टंगा हुआ कौन है। हाँ, जो आप टंगा दोगे ना घर में किसी को, पूछेगी
कि टंगा हुआ आदमी है कौन। हाँ पूछेगी पूरी कि महाराज जी टंगे तो ये कौन बैठा है, माला पहन के बैठा है मरने के बाद भी, बताओ। बात हंसने की नहीं है, बात सच है। अगर हम लोग बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? आपके कुल देवी और कुल देवता का पता होना चाहिए। अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं है, साल में कुल देवी की आप लोग जान नहीं पाते क्योंकि पता ही नहीं है। एक चुनरी, सिर्फ एक चुनरी और सुहागन स्त्रियों की जितनी चीजें आप कुल देवी को चढ़ा दो, मैं कहता हूं बहुत से विघ्न आपके टल जाएंगे। एक चुनरी और सुहागन स्त्री की जो चीजें हैं आप सब लेकर मां को चढ़ा के आ जाओ, बस कुल देवी को काम हो जाएगा। कुल देवता को चढ़ाओ, प्रणाम करो। महाराज जी पत्तो ही को नहीं मानते, बेरो ही को नहीं, आज थे पहली बार बतायो, नाम में पहली बार सुने हुआ। कई टाबर तो आज बेचैन हो जी रात में कि महाराज जी के बता दियो आज। पूछ सी टाबर का, माँ ने पूछ सी कि माँ अपने कुल देवता माँ का मुनि बेरो को नहीं, तन के बेरोसी। हाँ कईयों के घर में तो बस एक ट्रैक चलता है, कईयों को ये नहीं, अच्छे से बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं याद है। बड़े तो स्टेटस सिंबल मेंटेन करते हो, हनुमान चालीसा नहीं सुना सकते यार आप। हाँ? तो नामकरण के दिन बच्चों का जब जन्मदिन आए तो कुंडली की पूजा करवा देना, उसके हाथ से किसी भूखे को भोजन करवा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना और बाबा श्याम की शरण ले लेना। और वीर बरवरी का जन्मदिन आया तो अग्निदेव आए और अग्निदेव ने श्याम बाबा को धनुष दिया है। क्या दिया? धनुष। धनुष दिया कि भैया धनुष है ये ले लो, ये धनुष आप ले लो, लेकिन का बाण भी दे दो कि बाण हमारे पास नहीं है। धनुष तो दे सकता हूं लेकिन बाण हमारे पास नहीं है, बाण प्राप्त करने के लिए तुम्हें और शिव शक्ति के पास जाना पड़ेगा। और पवन देव आए और पवन देव ने आकर श्याम बाबा को लीला घोड़ा दे दिया। श्याम बाबा का घोड़ा है, जिस घोड़े पर बैठकर श्याम बाबा आते हैं और भक्तों के कार्य सिद्ध कर चले जाते हैं, श्याम बाबा का लीला घोड़ा है। आयो सांवरियो सरकार, जब आपके जीवन में कोई कठिनाई आएगी, टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा, हम कहते हैं ना जब श्याम बाबा की आप जोत लेते हो तो जोत लेते ही श्याम बाबा प्रकट हो जाते हैं। जब आप जैसी जोत घर में जलाते हो, घर में जोत जलने का सीधा सा मतलब है कि बाबा श्याम आपके घर में प्रकट हो गए। जोत का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए जोत जलाया करो आप अपने घर में बाबा की। जोत लेते ही श्याम बाबा प्रकट हो जाते हैं। और श्याम बाबा किस पर बैठ कर आते हैं? लीले घोड़े पर बैठ कर आते हैं। किसी की कुल देवता श्याम बाबा है, किसी के इष्ट देवता श्याम बाबा है और किसी की तो सांसे ही श्याम बाबा, कईयों की तो सांसे श्याम भरोसे चलती है। मैंने कल कहा था ना, दुनिया चलती है पैरों पर, मैं श्याम भरोसे चलता हूँ। दुनिया को भरोसा कि हम पैरों पर चलते हैं भैया, जिसको तेरा भरोसा जिसको तेरा सहारा। भरोसा एक रखो, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम धन श्याम हित चातक तुलसीदास। भरोसा रखना हो, भरोसा रखना, भरोसा रखना। भरोसे की खेती बड़ी होती है, भरोसे की बहुत बड़ी खेती होती है और भरोसे की खेती बड़ी उपजाऊ होती है। धन्ना जाट की खेती कितनी उपजाऊ होती है। घर में संत महात्मा आ गए सुबह, वो तो धान था धन्ना जाट का, तो सुबह सुबह खेत में बुवाई करनी थी, धान पड़ा था। संत महात्मा आ गए, ब्राह्मण देवता आ गए, साधु संत आ गए और उन्होंने धान को बधाई किया, गया रात को भोग लगाकर, भगवान को भोग लगाकर संतों को खिला दिया और झूठे झूठे हल चला दिए ऊपर ऊपर। और धन्ना जाट की खेती सबसे पहले बनकर तैयार हो गई, सबसे पहले भरोसा था हो गई। इसलिए श्याम बाबा के पास जो घोड़ा है उसका नाम है लीला घोड़ा, जो श्याम बाबा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उस घोड़े पर बैठ कर आते। आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के, लीले पे चढ़
चढ़े आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़े प्यारे।